Hello dear students, today topic for discussion is deletion in heap. So how to delete the element in heap? Rajay, firstly take an example. Let us take the example of the max heap. Here is 95, 82, 86, 39, 48, 56 एंड 65. बेटा ये मैक्स हीप है. मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग हीप सॉर्ट के लिए प्रोसीजर क्या अप्लाई करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किस टाइप की हमने हीप सॉर्ट जो है अप्लाई करनी है. इन केस ऑफ द बेटा मैंने आपको बताया था असेंडिंग मीन स्मॉल बिग बिग, तो हम लोग कौन सी हीप यूज करते हैं इसके लिए? मिन हीप. बताती हूँ अभी वाई. एंड फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर वी यूज द मैक्स हीप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? राजे क्यों करते हैं? क्योंकि इन केस ऑफ द हीप सॉर्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रूट नोड को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं. क्लियर? और उसको एक अलग एरे में स्टोर कर लेते हैं. फर्स्ट क्या आएगा? हाइएस्ट एलिमेंट. देन नेक्स्ट हाइएस्ट को रूट को लेके आते हैं, उसको डिलीट करते हैं. फिर नेक्स्ट हाईएस्ट, नेक्स्ट, 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 तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं इन केस ऑफ द मैक्स हीप. सेम प्रोसीजर इज एप्लीकेबल फॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर. क्लियर? अब राजे मैं एग्जांपल ले रही हूँ. लेट अस सपोज दिस इज द मैक्स हीप. मैं यहाँ पे डिलीट क्या कर रही हूँ? 95. एक डिलीशन का बता देती हूँ आपको कि व्हाट इज द रोल फॉर दिस. अगर मैं 95 को डिलीट कर रही हूँ तो क्या करते हैं, जो इसका लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर दूंगी. लास्ट एलिमेंट को रिप्लेस किया जाएगा विद द रूट नोड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 65. हेयर इज द 82. हेयर इज द 86. हेयर इज 39, 48 एंड हेयर इज This is 86, here is 56. अब बेटा जो न्यू हीप हमारे पास बनी है, ये तो हीप बनी नहीं क्योंकि इसने मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. हाउ? क्योंकि हमें पता है कि मैक्स हीप के केस में हम मैक्स हीप ली थी. मैक्स हीप के केस में जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी इसके चिल्ड्रन नोड से. तो बेटा 65 जो है वो लेस आ रहा है 82 और 86 से. तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ये तो दो सिबलिंग है, सिबलिंग को आपस में कंपैरिजन परफॉर्म किया जाता है. जिस सिबलिंग की वैल्यू मैक्सिमम है इन केस ऑफ द मैक्स हीप, और मिनिमम हम कौन सी लेंगे, जो मिनिमम है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या ले जाएंगे, पेरेंट नोड बना देंगे. और जो हमारा बेटा जो न्यू नोड, न्यू पेरेंट था, जो पहले रूट बना था, उसको क्या बना देंगे, उसका चाइल्ड नोड. मतलब स्वैप कर देंगे उनकी आपस में वैल्यू. किसके साथ स्वैप कर रहे हैं हम लोग? स्वैप कर रहे हैं उसकी वैल्यू किसके साथ, जो हमारा न्यू नोड बना. क्लियर? तो मैंने स्वैप किया, हेयर इज 82, 39, 48 एंड हेयर इज अगेन 56. नाउ चेक करो, ये फिर से मैक्स हीप बन रहा है, ये बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू डिलीट द एलिमेंट इन केस ऑफ द मैक्स हीप. क्या करते हैं, उसका जो लास्ट नोड है उसको पेरेंट नोड पे डालते हैं. आफ्टर दैट कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हमने जो है वो हीप परफॉर्म करनी है. नाउ व्हाट अबाउट द एल्गो फॉर द डिलीशन ऑफ द हीप? तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एल्गो डिलीशन के लिए, किसकी, हीप की. तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, इन केस ऑफ द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले जो हमारी आइटम है उसको हम कहाँ डाल देंगे, सेट आइटम इज इक्वल टू जो हमारा ट्री है उसके फर्स्ट नोड पे क्या डाल देंगे, अपनी आइटम. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप. नाउ फॉर द सेकंड स्टेप बेटा, सेट करेंगे हम एक जो लास्ट है, लास्ट वेरिएबल में हम लोग क्या डाल रहे हैं, ट्री का जो nth एलिमेंट है उसको डाल रहे हैं. और साथ के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, n माइनस वन, क्योंकि एक एलिमेंट हम डिक्रीज कर डिलीट कर चुके हैं. आइटम हमें पता है जो डिलीट करते हैं वो रूट नोड पे होती है, दैट्स व्हाई आइटम में हमने ट्री का फर्स्ट नोड कर दिया. क्लियर?
अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पॉइंटर सेट करना है। तो पॉइंटर सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे PTR इज इक्वल टू 1, पॉइंटर को 1 सेट कर देंगे। लेफ्ट नोड किस पे होएगा, लेफ्ट नोड उसका 2 पे होएगा एंड राइट नोड उसका क्या होएगा, 3 पे होएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जैसे ये रूट, ये ट्री बना हमारा, ये ट्री है तो बेटा इसका जो फर्स्ट नोड है वो हमारा फर्स्ट एड्रेस पे है। तो हमने पढ़ा था कि लेफ्ट नोड मल्टीप्लाई बाय 2 करके आता है, तो और 2 प्लस 1 करके हमारा राइट नोड आता है। तो वही चीज हमने इसको जस्ट क्या किया है, अभी इनिशियलाइज किया है। क्लियर। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है, फोर्थ स्टेप में हम करेंगे कलर चेंज कर। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम पूरे का पूरा प्रोसीजर रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा राइट नोड लेस देन इक्वल टू नल है। रिपीट व्हाइल राइट इज लेस देन नन, लेस देन इक्वल टू एन, जब तक वो एन से, एन क्या था हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, जब तक उससे छोटा रहेगा तब तक पूरे का पूरा प्रोसीजर क्या करोगे, रिपीट करोगे। क्या करोगे, इसमें क्या चेक करते थे बेटा, इफ जो हमारा लास्ट एलिमेंट था, लास्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किसके, ट्री के लेफ्ट से, एंड साथ के साथ ही हम क्या चेक करेंगे, लास्ट की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ट्री के राइट से। अगर लास्ट की वैल्यू दोनों से बड़ी है, लेफ्ट से भी बड़ी है तो राइट से भी बड़ी है, इसका मतलब कि हमारा जो ट्री है, ट्री पीटीआर पे पॉइंटर पे हम क्या डाल देंगे, लास्ट की वैल्यू, और साथ के साथ ही क्या कर जाएंगे, एग्जिट। क्लियर, क्लियर अबाउट द फिफ्थ स्टेप। क्लियर, हियर इज द एंड इफ, एंड इफ इज फिनिश। नाउ कम टू द सेवंथ पॉइंट, और नॉट अ सेवंथ, दिस इज द सिक्स्थ। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ अगर ट्री का राइट नोड अगर अजय नहीं है, तो अगर तो है लास्ट अपनी प्रॉपर पोजीशन पर पहुंच गए तो हम फिफ्थ पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। अगर वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया था ना, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किया था कि वो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं था 86, तो हमने कंपैरिजन परफॉर्म किया था, तो हमने इंटरचेंज किया था। अब उसके लिए हम कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे, इफ ट्री इज, इफ लेफ्ट ऑफ सॉरी इफ राइट ऑफ ट्री, ट्री का जो राइट नोड है दैट इज लेस देन इक्वल टू ट्री के लेफ्ट नोड से, अगर राइट नोड हमारा जो है ट्री का वो लेफ्ट नोड से क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, देन सेट ट्री पीटीआर, ट्री के पॉइंटर में कौन सा डाल देंगे हम, लेफ्ट वाला, क्योंकि हम मैक्सिप की बात कर रहे हैं। ट्री इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ ट्री, और साथ के साथ ही पॉइंटर को कहाँ पे सेट कर देंगे, लेफ्ट पे, एंड सेट पीटीआर इज इक्वल टू लेफ्ट। अदरवाइज, अदरवाइज का क्या मतलब है, एल्स हमारा क्या होगा, या तो राइट छोटा होगा नहीं तो हमारा लेफ्ट छोटा होगा। लेफ्ट छोटा तो उसके लिए क्या करेंगे, सेट सेम बेटा प्रोसीजर फॉर द लेफ्ट लगा देंगे, ट्री के पॉइंटर में किसकी वैल्यू डाल दोगे, ट्री के राइट की वैल्यू, और एंड पॉइंटर पहले लेफ्ट पे करा था, अब पॉइंटर वेरिएबल हम कहां पे कर देंगे, राइट। क्लियर अबाउट दैट, क्लियर। नाउ दिस इज अगेन द एंड इफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7, सेवन में रहिए। अब नेक्स्ट जहां पे भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल आ गया है, हमें पता है कि उसका लेफ्ट नोड फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, सेट लेफ्ट इज इक्वल टू 2 इनटू पीटीआर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने तुम्हें ये प्रोसीजर पहले ही बता रखा है, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं देखा तो ट्री की जो प्रीवियस वीडियोस है बेटा वो ध्यान से देखो, वहां पे मैंने ये कंसेप्ट बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि हाउ टू फाइंड द लेफ्ट नोड और हाउ टू फाइंड द राइट नोड ऑफ अ पर्टिकुलर नोड। क्लियर, पोजीशन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। तो राइट कैसे आएगा, लेफ्ट प्लस 1,
This means 2 multiply by PTR plus 1. Here is end of loop. यहाँ पे लूप का क्या हो गया? एंड हो गया. क्लियर. नाउ कम टू द 8th स्टेप. 8th स्टेप में क्या करेंगे, मान लो हम करते करते इफ हमारा लेफ्ट इज इक्वल टू एन पे पहुंच गए, दिस मीन्स हम एंड ऑफ द प्रोसीजर पे पहुंच गए हैं. एंड इफ जो हमारा लास्ट एलिमेंट था दैट इज लेस देन द ट्री लेफ्ट, अगर वो ट्री के लेफ्ट से लेस आ रहा है, तो हम अपना पॉइंटर कहाँ पे सेट कर देंगे, पीटीआर को सेट कर दोगे लेफ्ट पे. क्लियर. एंड 9th स्टेप, इन केस ऑफ द 9th स्टेप क्या करोगे, सेट कर दोगे ट्री के पॉइंटर को किस पे, लास्ट. एंड इन द लास्ट स्टेप 10th क्या कर जाओगे, एग्जिट. दिस इज ऑल अबाउट द डिलीशन इन केस ऑफ द हीप. स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, ऑल्सो अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल हाउ टू डिलीट द एलिमेंट इन द हीप. If you understand, then like the lecture, subscribe the channel and share with your friends so that they also avail the services. Thank you.